अस्सलाम वालेकुम जी, जनाब मैं शुएब बाजवा मलेशिया के दिल कुआलालंपुर से। तो जनाब आज मैं दूर मैं कोता रहा हूँ माइडीन। तो बहुत बड़ी मार्केट है, होलसेल मार्केट है, और जो भी दोस्त अपने अपने मुल्कों को छुट्टी पे जाते हैं तो यहाँ से सामान लेके जाते हैं। तो चलिए फिर अंदर चलते हैं, देखते हैं क्या क्या है। जी दोस्तों, तो ये है जी एंट्रेंस, इसके 3-4 गेट हैं, आप किसी से भी दो जी एंटर होते हैं। ये सेंट्स पड़े हुए हैं यहाँ पे, अत्तर जिसे बोलते हैं, 5 रिंगे 6 रिंग, ठीक है, होलसेल मार्केट है। तो ये आके आप यहाँ से ख़रीद सकते हैं। ये देखें परफ्यूम्स लगी हुई हैं इधर, इधर जनाब साउंड सिस्टम है, ये देखें। और ये यहाँ पे मशीनें लगी हुई हैं शेविंग के लिए जो होती हैं तमाम, और बड़ी आला क्वालिटी की होती हैं, 100 रिंगिट की आपको अच्छी मशीन मिल जाएगी। ये देखिए जी वॉचेज़ लगी हुई हैं, फूल हैं, अम्ब्रेला, और ये शुरू हो जाते हैं जानमाज। ये देखें, और बहुत ही बड़ी और ख़ूबसूरत मार्केट है, और यहाँ से आप आके जनाब हर तरह की चीज़ जो है वो ख़रीद सकते हैं। और ये आपको बताता चलूँ कि जी होलसेल है, और होलसेल में बिल्कुल आपको मुनासिब चीज़ें मिलेंगी। ये देखें बैग्स पड़े हुए हैं तमाम किस्म के, ये देख सकते हैं। इसके ऊपर मज़ीद फ्लोर हैं, ऊपर चलेंगे फिर आपको ऊपर भी दिखाते हैं कि वहाँ पे क्या क्या है। काजू लगा हुआ है बड़ा ज़बरदस्त किस्म का, ये देखें। और इसके अलावा ये अंजीर है, ये जनाब 8 रिंगे 9 रिंगे और 16 रिंगे, छोटा पैक बड़ा पैक है, बच्चों की साइकिल्स हैं। जी दोस्तों, तो ये तमाम चॉकलेट्स पड़ी हुई हैं, ये देखें आप, खासकर जिन्होंने पाकिस्तान जाना होता है या दूसरे भी जितने भी दोस्त हैं वो यहाँ से आके ख़रीदारी करते हैं। ये देखें तमाम चॉकलेट्स हैं, गिफ्ट पैक्स हैं। उसके अलावा ये हैं बच्चों के लिए, अगर आप ले कर जाना चाहें तो ले कर जा सकते हैं। वॉचेज़ हैं, ये देखें 5-5 रिंगिट की लगी हुई है, ये देखें सिर्फ 5 रिंगिट की, 5 रिंगिट में क्या आता है या कुछ भी नहीं आता। तो बड़ी ख़ूबसूरत वॉचेज़ हैं, अगर आपने गिफ्ट वगैरह ले कर जाना हो पाकिस्तान में किसी के लिए तो आप यहाँ से आकर ले कर जा सकते हैं। ये देखिए टॉफियाँ, इनकी कितनी ख़ूबसूरत पैकिंग हुई है, और अगर आप मतलब के इसे पाकिस्तान ले कर जाना चाहें किसी को गिफ्ट देने के लिए तो ज़बरदस्त है। और इसकी कीमत है जनाब, ये देखें सिर्फ 13 रिंगिट का जनाब ये एक ख़ूबसूरत बॉक्स है, जो आप लेके पाकिस्तान जाके किसी को गिफ्ट दे सकते हैं, ख़ूबसूरत है, ज़बरदस्त है दोस्तों। तो ये है जी फर्स्ट फ्लोर, और इस पे बच्चों से लेके बड़ों तक के कपड़े हैं, और हर किस्म की तकरीबन वैरायटी है जो कि आप यहाँ से आके ख़रीद सकते हैं। बालू पड़े हुए हैं, 20 रिंगिट का एक है, और बच्चों की मुकम्मल वैरायटी है, देखें 9 रिंगिट 10 रिंगिट, ये देखें बहुत ही सस्ते से कपड़े हैं। ये जनाब आप यहाँ से आके ले सकते हैं, इसकी एक बड़ी अच्छी चीज़ है कि यहाँ पे तकरीबन हर चीज़ ही मिल जाती है। जी दोस्तों, तो सेकंड पे जनाब टोटल इलेक्ट्रॉनिक्स है, और चूल्हे वगैरह, पंखे, जूसर मशीन्स यहाँ पे कमाल की मिल जाती हैं, और बिल्कुल सस्ती मिल जाती हैं। ये आप देख सकते हैं पंखे हैं, और इस तरफ जनाब जूसर मशीन है, और मुनासिब होती हैं, और भी होती भी अच्छी हैं, आपको 60 रिंगिट की भी मिल जाएगी, इसके अलावा 120 रिंगिट 100 रिंगिट, बिल्कुल मुनासिब है। और इसके अलावा यहाँ पे आपको बड़ी क्वालिटी की इस्त्रियाँ मिल जाएंगी जो दोस्त मतलब कि पाकिस्तान भेजना चाहते हैं। और उसके अलावा जनाब ये राइस कुकर होते हैं, ये देखें तमाम बिजली का सामान है। तो ये जनाब यहाँ से आप बआसानी आके जो है ख़रीद सकते हैं, ओवन वगैरह, ये देखें। और तकरीबन तमाम दोस्त यहाँ से ही आके जो है ना वो बाय करते हैं। उसके साथ ही ये जनाब ये देखें बुक्स वगैरह के लिए तमाम मुकम्मल, बच्चों के लिए ज़ाहिर है, बड़े भी जो कॉलेज वगैरह जाते हैं। और यार एक मुकम्मल मार्केट है ये, मतलब कि यहाँ से आप तमाम चीज़ें आके ख़रीद सकते हैं, और वो भी एक बड़ी रिजनेबल प्राइस पे। ये जनाब कपड़े शुरू हो जाते हैं, फिर बाजू हैं ये बड़े जो मलाई पहनते हैं, ये देखिए ये जी लाचे हैं जो इधर वो मलाई लोग पहनते हैं नमाज़ पढ़ने के लिए खासकर। और इसी तरह का जो है वो सारा सामान पड़ा हुआ है। आगे जूते हैं वो देखते हैं,
जी दोस्तों, तो ये सारी साइड जनाब शूज़ हैं, ये आप देख सकते हैं। इसके अलावा चप्पल वगैरह जो आप घरों में पहनते हैं, और बूट्स जो हैं वो जनाब ज़बरदस्त हैं, ठीक है, अच्छी क्वालिटी के हैं, ये देखें आप। इसके अलावा सेफ्टी शूज़ भी हैं, वो भी आप ख़रीद सकते हैं 39 से 40 रिंगिट ही हो गए। तो जनाब शूज़ की एक बहुत बड़ी वैरायटी यहाँ पे मौजूद है, तो जो दोस्त को जो पसंद हो वो यहाँ से आके ख़रीद सकता है। अच्छे शूज़ 100 रिंगिट के भी हैं, 80 के भी हैं, जो आपको अच्छा लगे, मुनासिब लगे, वो आप ख़रीद सकते हैं, ये देख सकते हैं। ये दोस्तों तमाम शूज़ जो हैं वो ड्रेस पैंट के नीचे पहनने वाले हैं, और ये कम ही देखने में मिलते हैं, लेकिन यहाँ पे इसकी भी बहुत ज़्यादा वैरायटी है, ये आप देखें। तो ये आप माइडिन कोतारा से आके ख़रीद सकते हैं। तो ये जी आर्टिफिशियल फूल पड़े हुए हैं तमाम, तो ये देखें, इनकी भी बहुत ज़्यादा वैरायटी है, आर्टिफिशियल फूल हैं सारे, जो लोग अपने घरों में खूबसूरती के लिए रखते हैं। तो ये देखें जी, ये भी काफ़ी सारे यहाँ पे हैं जी दोस्तों। तो ये जी तीन फ्लोर हैं इसके, और यहाँ पे जनाब शैम्पूज वगैरह हैं, और उसके अलावा जो मतलब के किचन वगैरह का सामान होता है धोने धुलाने के लिए, और साबुन है, ये तमाम पड़े हुए हैं। मतलब के हर फ्लोर जो आपको अलग-अलग मतलब के सामान के लिए मिलेगा, ये नहीं कि सब कुछ एक ही जगह उन्होंने रख के तो मतलब कि खिचड़ी पका दी है, ये देखें ज़बरदस्त। ये डिश वॉशर पड़े हुए हैं, साबुन है, इस तरह है तमाम उन्होंने चीज़ें मतलब के अलग-अलग रखी हुई हैं, ये देखें। ये इधर सर्फ शुरू हो जाता है सारा इसी तरह ही, और दूसरी तरफ इधर जनाब टूथपेस्ट पड़ी हुई है, और टूथपेस्ट भी तकरीबन तमाम वैरायटी है, जिसको जो चाहिए। बॉडी लोशन है, बॉडी वॉश है, ये देखें, और ये जनाब पाउडर भी पड़ा हुआ है, पाउडर भी आप यहाँ से आके ले सकते हैं, ये देखें आप दोस्तों। तो इधर तमाम जनाब दूध हैं, चिप्स हैं, क्रॉकरी का सामान है, और बॉटल्स वगैरह हैं, डिब्बे हैं जो आप किचन में रख सकते हैं, और पानी की बोतल्स जो काम पे बंदा साथ लेके जाता है, तो वो हैं जनाब। और बहुत सी कुर्सियाँ वगैरह पड़ी हुई हैं, मेज़ हैं, देखें आप कप्स वगैरह हैं, तो ठीक है, मुनासिब ही कीमत है यार। ये देखें पानी के कूलर हैं, इसके अलावा ये प्लेटें पड़ी हुई हैं इधर, और ये तमाम तकरीबन प्लास्टिक के सामान है इधर सफाई वगैरह के लिए हैंगर्स, और ये इधर चाकू छुरियाँ शुरू हो जाती हैं, ये देखें आप। इसी तरह दूसरी तरफ चलते हैं, उधर देखते हैं। तो ये जनाब सारा ड्राई फ्रूट है, ये देखें आप पैकेट्स में, और पिस्ता है, चिलगोजा है, बादाम है, नमक लगे हुए बादाम है, तमाम पैकेट्स में। इधर जो है वो चॉकलेट है, और सामने दूध के डिब्बे हैं, यहाँ पे डिब्बे वाला दूध ज़्यादा चलता है, हमारी तरह नहीं है भाई, खुला दूध इस्तेमाल करते। चिप्स के पैकेट हैं, दूध है सूखा हुआ खुशक, यहाँ पे सूखा दूध चलता है, हाँ कुछ दूध जो है। तो यहाँ जनाब चलता है ये डिब्बे वाला दूध, यहाँ पे खुला दूध जो हमारे लोग हैं वो इस्तेमाल करते हैं, दूसरे नहीं करते हैं। तो ये जनाब ऑयल वगैरह शुरू हो जाते हैं इधर, ये देखें चावल हैं, बासमती चावल आप यहाँ से आके ख़रीद सकते हैं, और मतलब के जो अच्छी क्वालिटी के हैं, और भी सुपर वगैरह के, और आयल्स हैं। तो इसकी यार टोटल ना 3 फ्लोर हैं, तो काफ़ी बड़ा है यार, लेकिन तकरीबन हर चीज़ ही यहाँ पे मौजूद है, तो आप ज़रूर विज़िट करें यहाँ पे, और आके जो है आप यहाँ से ख़रीदारी करें। सामने उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त चीज़ बनाई है, ये देखें, ये मलाई कपड़े पहने हुए हैं लड़का और लड़की ने, और ये इसका छत चेक करें जनाब, तमाम जो है वो ऊपर मतलब कि शीशा लगा हुआ है, बड़ा ज़बरदस्त है जी दोस्तों। तो ये है जी रैपिड का बस स्टॉप, और ये इसके बिल्कुल साथ माइडीन है,
ये बिल्कुल मैं चौक में खड़ा हुआ हूँ, और इसके पीछे हम आएंगे तो ये जनाब बंगला मार्केट है। यहाँ पे तमाम जो है ना ये बंधु भाई इनकी जो है ना ये शॉप्स हैं। और ये देख लें, अभी तो शाम का टाइम है नहीं तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा रश होता है। तो ये जनाब इसकी लोकेशन है, जो दोस्त कुआलालंपुर में उनको तो पता ही होगा, और जिन दोस्तों ने कहीं बाहर से आना है तो उनके लिए। और यहाँ पे मिठाई वगैरह जो बंगलों की होती है, और दूसरी तीसरा हर सामान जनाब आपको मिलेगा इंशाल्लाह। अच्छा ये देखें जी, ये बंधु भाई जो मिठाई खाते हैं, ये बड़ी लजीज होती है यार, मैंने खा के देखी है। जलेबियाँ पा रही हैं, उसके अलावा पूड़ियाँ बन रही हैं, ये देखें समोसे हैं, और रश आप देख सकते हैं, बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है यार। और आया तमाम शॉप जो है ना ये देखें, ये बंगलों की हैं, ठीक है, इसको बंगला मार्केट भी कहते हैं। तो ये देखें, और ज़्यादातर आपको यहाँ पे बंधु ही नज़र आएंगे शॉपिंग करते हुए, यहाँ नेपाली होते हैं, यहाँ पे वैसे प्रोसी भी बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन फिर इसी तरह रश ही आपको अगले दिन नज़र आएगा जी। दोस्तों तो ये था जनाब कोतारा है माइडिन, और यहाँ से आके तकरीबन आप हर चीज़ खरीद सकते हैं, खासकर जिन दोस्तों भाइयों ने पाकिस्तान जाना हो और तोहफे तहाइफ लेके जाने हो वो तो लाजमी यहाँ पे आएँ। तो जनाब दुआओं में याद रखिए, अपने इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखें, फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।